हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक और नई पब्लिक सेक्टर जॉब के बारे में जो आई हुई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। यहां पर एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करें तो 1/2015/2022/2023 में जो पब्लिश डेट है इसका, यानी इस नोटिफिकेशन का जो पब्लिश डेट है कब इशू हुई है तो 31 जनवरी 2023 को इशू हुई है। यहाँ पर दो तरह की पोस्ट आई है। पहली जो पोस्ट है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत SC/ST OBC के लिए है, और जो सेकंड आपका नोटिफिकेशन है यानी पोस्ट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फाइनेंस, HR और आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए पोस्ट आउट ही है। इसको और डिटेल में जानने के लिए हम वीडियो के आगे चलते हैं। बात करें स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव SC/ST OBC की, यहाँ पर दो तरह की पोस्ट है, सीनियर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की। सीनियर मैनेजर में यहाँ पर जियोलॉजी डिसिप्लिन होने वाला है, और जो कैटेगरी यहाँ पर SC का है, जो आपका एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। सेकंड पोस्ट डिप्टी मैनेजर का है जो आपका ग्रेड D2 का है, जिसमें आपका सर्वे इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, R&D MNC, जिसमें सर्वे में आपका एक पोस्ट जो SC का है और एक पोस्ट आपका OBC का होने वाला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल में आपका ST का एक पोस्ट है, R&D में आपका वन पोस्ट ST का है और एक पोस्ट आपका OBC का है। उसी तरह MNC की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट ST की निकाली गई। बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तो यहाँ पर फाइनेंस, HR, लॉ और MNC की पोस्ट आउट ही है। फाइनेंस में नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, HR में आपका 5 है, लॉ में आपका 1 है और MNC में आपका 2 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 13 है, जिसको कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। बात करते हैं अब ग्रेजुएट इंजीनियर की, जिसमें दो तरह की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की। इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व की 3 सीट है और मैकेनिकल में यहाँ पर बैकलॉग SC की एक पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ 4 यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। बात करें डेट की तो कब से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 जनवरी से अप्लाई होना चालू हो गया है और लास्ट डेट आपका 28 फरवरी मिडनाइट तक चलेगी। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट ए की बात करेंगे, SRD की, तो जिसमें सीनियर मैनेजर की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन जियोलॉजी में होनी चाहिए। डिप्टी मैनेजर सर्वे की बात करें तो बैचलर डिग्री इन माइनिंग सिविल इंजीनियर विद सर्वेयर अगर है तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल का डिग्री होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर R&D की बात करें तो बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है इसमें तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। डिप्टी मैनेजर MNC की बात करें तो बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मटेरियल मैनेजमेंट है तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस में अगर आपके पास CA और CMA में से कोई एक डिग्री है तो आप एलिजिबल है, और अगर आपके पास MBA फाइनेंस भी है तो भी आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। बात करें HR की तो आपके पास MBA HR होना चाहिए 2 साल का, ठीक है ना। लॉ की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास LLB की होनी चाहिए, या आपके पास इंटरग्रेटेड 5 साल का LLB की डिग्री है तो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। बात करें MNC की तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर्स का आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, तो यहाँ पे आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में होना चाहिए। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपका जो एज काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। मैक्सिमम जो यहाँ पर एज दिया गया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जो यहाँ पर 28 ईयर्स होने वाला है, और जो भी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी है उनको अलग से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC/ST को 5 ईयर का, OBC नॉन क्रीमिलेयर को 3 ईयर का, PWD जनरल EWS को 10 ईयर का, PWD OBC नॉन क्रिमिनल को 13 इयर्स का, PWD SC/ST को 15 इयर का, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात करें सैलरी की, जो फर्स्ट पोस्ट का था आपका जो SC/ST OBC के लिए था, यहाँ पर जो सैलरी दिया जाएगा वह 60,000 से लेकर 1,80,000 तक दिया जाएगा सीनियर मैनेजर का, और डिप्टी मैनेजर का आपको 40,000 से लेकर 1,40,000 दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा 2 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है ना, पहले पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है सीनियर मैनेजर का 9 साल का और डिप्टी मैनेजर का 3 साल का, और मैक्सिमम एज भी यहाँ पर
ज्यादा होने वाला है, लेकिन जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग और इंजीनियर ट्रेनिंग का है वह फ्रेशर जॉब है, ठीक है ना, उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग है और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का जो एग्जाम पैटर्न है वो दो स्टेप में लिया जाएगा। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और सेकेंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो वेटेज होगा वो 70% का होगा, जिसमें आपका फाइनेंस रिलेटेड और रीजनिंग मैथ से पूछा जाएगा और 30% का आपका पर्सनल इंटरव्यू पूछा जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट का, जो सीनियर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर का है, जिसमें आपका भी दो स्टेप में एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर 80% का वेटेज होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पर 20% का वेटेज होने वाला है। अप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 का फी देना होगा, बाकी जो कैटेगरी है उनको यह फी एग्जेम्प्टेड होने वाला है। जैसे एससीएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यह फी एग्जेम्प्टेड होने वाला है। बात करें अप्लाई की, तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप इसकी वेबसाइट www.hindustancopper.com पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट करते कि नहीं करते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।